यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले दीपक की थी। दीपक यानी कि मैं, मुझे अक्सर सभी क्लास में उल्लू के नाम से बुलाते थे। ईशु सर, ऋतिक सर, सागर सर, दीपक दीपक दीपक, अबे उल्लू। यस सर, आया हूँ। दीपक आओ, इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। तुम आओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ये होता है ग्रेट। ताली बजाओ सारे बच्चे। जाओ किट पे। सिक्स जा, नाइन सेवन जा। सर ये मेरे को बहुत देर से परेशान कर रहा है। दीपक दीपक, गेट आउट। सुना नहीं तुमने? गेट आउट। ना पढ़ते ना पढ़ने देते किसी को, निकलो क्लास से बाहर। उस दिन मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। वह मामला इतना गंभीर हो गया था कि मेरे पिताजी को विद्यालय में आना पड़ा। सर नमस्ते। आप ही दीपक के पिताजी? हाँ सर। भाई साहब, अपने जीवन के 25 साल के कार्यकाल में मैंने ऐसा बेवकूफ लड़का आज तक नहीं देखा। माफ करना सर, पर इसकी इन्हीं गलतियों की वजह से ना हमें इसको आज अपने स्कूल से निकालना पड़ रहा है। नहीं सर, सर प्लीज ऐसा मत करो सर, इसको एक आखिरी चांस सर दे दो, मेरी जिम्मेदारी सर। भाई साहब, आपके इतना निवेदन करने पर ना मैं इसको एक आखिरी चांस देता हूँ, पर इसकी पूरी गारंटी आपको लेनी होगी। ठीक है, आज के बाद। अबे ये क्या कर दिया? जिसका डर था वही हुआ। मेरा नाम विद्यालय से काट दिया गया। मेरे पिताजी ने मुझे शहर में पढ़ाने का फैसला किया। पापा मैं इनको कुछ बन के दिखाना है इनको। पापा बहुत गंदा स्कूल है। इतना कहते ही मैं गांव से शहर की तरफ निकल पड़ा, टीचर को गलत साबित करने और एक बड़ा आदमी बनने के लिए। वक्त बहुत तेजी से गुजरा और मुझे शहर में आए हुए 25 साल हो गए। उधर दूसरी ओर मास्टर जी भी बुजुर्ग हो चले थे और अब आगे। पिताजी आप अपनी दिल की बीमारी के इलाज शहर में जाके करवाइए, वहाँ पे दिल की बीमारी के बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। ठीक है बेटा। पिताजी मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। ठीक है बेटा। अमित, आपके पापा की हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है और इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गॉड ब्लेस यू, ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर 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 डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरे पिताजी की जान बचाई। अरे कोई बात नहीं यार, ये तो मेरा फर्ज। डॉक्टर, पिताजी पिताजी, अरे पीछे से कवर देखा, देख सामने तेरे आगे बंदा खड़ा है, बंदा खड़ा, मार मार मार, गोली मार, गोली मार, गोली मार। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine.